भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ, 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। क्या हमारी राजनीति आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फंस गई है? क्या इससे आगे भी कोई राजनीति हो सकती है? इससे बढ़कर भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो जनता की मतलब की बातें हों? हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो जिनमें ये स्वभाव हो। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भौकाल की राजनीति है, शान शौहरत की राजनीति है, और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। यहाँ खड़े होकर ये कहना बहुत आसान है, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। आखिर राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन दो दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान बाईस पसेरी सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूँ, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है,
समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है, कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति एक या दो बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी। जहां से आपको रोजगार मिलता था उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई, उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ मेरे पास निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में, देखिए। एक बात है, देखिए दो बातें, इंसान इंसान की जो नींव होती है ना उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। अब आपको समझाना जरूरी भी है लेकिन मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा विवेक जनता में होता है, सबसे ज्यादा। और मेरी समझ यह है कि जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती, जो भी निर्णय है
उसका आदर लोकतंत्र को करना पड़ता है। आज ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरूक नहीं बने हैं। मैं आप ही को दोषी ठहराऊंगी कि आपकी जागरूकता में कमी है। आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है। आप ये नहीं पूछते कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है उनकी कितनी कमाई है। मैं बताती हूँ, 1600 करोड़ रुपए एक उद्योगपति एक दिन में कमा रहा है जिसको इस देश की संपत्ति दे चुके हैं। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा। देखिए, ये ग्वालियर चंबल की धरती है, जैसे मैंने कहा झांसी की रानी की धरती है। बड़े बड़े यहां से महापुरुष हुए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए जी जान एक की। आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आपने मेरा इंतजार किया, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना। मैं आशा रखती हूँ कि आप इन बातों को भूलेंगे नहीं, और चाहे जिस भी पार्टी का नेता आपके सामने आए, मंच पे खड़ा हो, आप उससे ये जरूर पूछिए कि आपके मुद्दों पे बात करें और आपके लिए वो क्या करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।